आज हम लोग फिर से एक बार प्रकाश मिश्रा के बारे में बात करेंगे। हो सकता है ये इन सब दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा है और गाने में केजरीवाल जैसा है, पर मानना पड़ेगा इसका दिमाग मोदी जी से मिलता जुलता है। यू नो व्हाट आई मीन। इससे पहले कि इसका गाने का तारीफ करे, पहले इसका तारीफ कर लेते हैं। इस बंदे का स्वैग, ओहो राम रहीम की कसम, इतना स्वैग तो पूरा दिल्ली वालों को मिला के नहीं होगा। अगर बंदे का अतीत देखा जाए तो सबसे पहले तो ये भैया आगे इंडियन आइडल पे, सर पे टोपी, लाल लाल जैकेट, आंखों में चश्मा। नहीं, मुझे यहाँ पे ये समझ में नहीं आया, ये एक सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल है और यहाँ पे फारा खान क्या कर रहा है? नहीं सच में फारा खान, वैसे तो अनु मलिक को भी नहीं होना चाहिए था, पर फिर भी फारा खान को क्यों? क्या इंडियन आइडल वालों को सिंगिंग और डांसिंग में फर्क समझ में नहीं आता, या फिर वो लोग भी कमलेश के साथ सस्ते सोल्यूशन की नशे किया है? तू एंटरटेनर बन सकता है, गा नहीं सकता है? जब आदमी दुखी हो, गमगीन हो, तू आ, गाने वाने सुना, उन्हें खुश कर, पड़ोसी को नचा, पड़ोसी भी खुश होते होंगे, हंगामा कर, बट अनफॉर्चुनेटली बेटा यहीं तक रहेगा तू, थिएटर में नहीं आ सकता। तो रियलिटी शो में उसने करना शुरू भी नहीं किया था कि जजेस मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, और इससे पता चल जाता है कि शो स्क्रिप्टेड था। बट मुझे नहीं लगता ओम प्रकाश मिश्रा का शक्ल देख के कि उसे ये सब पता था। और फिर आज बंदे का लाखों में फॉलोअर्स है। गाना तो क्या, अगर ओम प्रकाश मिश्रा किसी टॉपिक पे बात भी करना स्टार्ट कर दे तो उस वीडियो में लाखों में व्यूज आ ही जाता है। बट सबसे बड़ा बात तो ये है, ओम प्रकाश मिश्रा इतना सारा बात करता क्यों है? कभी ढिंचक पूजा के ऊपर तो कभी वरुण धवन के ऊपर। ओम प्रकाश मिश्रा टॉकिंग अबाउट, ओम प्रकाश मिश्रा टॉकिंग अबाउट, ओम प्रकाश मिश्रा टॉकिंग अबाउट। अरे हाथ होता है बोलने का। असली बात तो ये है, क्वीन डियोन वाला मामले में उसको इतना सारा सपोर्ट मिला और उसी सपोर्ट के बाद उसको आइडिया भी मिल गया इमोशनल अत्याचार करने का। पहले उसका कमेंट सेक्शन में गालियां होता था, बट अभी इन दिनों उसके कमेंट सेक्शन में इतना पॉजिटिविटी, उतना तो संदीप मैसूरी का वीडियो में नहीं होता। बंदे को समझ में आ गया कि गाने से काम नहीं चलने वाला, चाहिए तो सिर्फ इमोशनल ब्लैकमेल। और ऐसी ही बातें करने के लिए उसको ना ही सिर्फ सपोर्ट मिलता है, ऊपर से नेक्स्ट कोई भी सॉन्ग का प्रमोशन भी हो जाता है। अभी इधर उधर की बातें छोड़ो, आज ओम प्रकाश मिश्रा ने उसकी अपनी सबसे डिमांडिंग सॉन्ग की अपलोड किया है, यानी कि आंटी की घंटी 2 का। और भाई इस सॉन्ग के लिए लोग इतने ज्यादा इंतजार कर रहा था, उतना इंतजार तो कोई सलमान भाईजान का मूवी आने से पहले नहीं करता। पता नहीं लोगों को हो क्या गया है, अच्छे चीजों की तो कदर इस दुनिया में कभी होना ही नहीं है। वाह क्या बात है, इस बार तो सीधा शॉट लगाने पे ही आ गया, ना इधर उधर के बातें, सीधा पूरा टॉपिक पे। और तुझे ये जो बात बात में शॉट लगाना है ना, पहले तो फिर भी एक चांस था, अब भैया तूने अपने बालों के साथ जो मजाक किया है ना, उसके बाद तो तू भूल ही जा। लड़की और आंटी तो बहुत दूर, अच्छा खासा सख्त लौंडे डर के मारे मर ना जाए। वाह भैया वाह, गले में जंजीर लटका है भाई, जल्दी से अपने गले का जंजीर उतार दे इससे पहले कि कुछ ज्यादा ही देर हो जाए। हैशटैग अल्टीमेट स्वैग लेवल, हैशटैग अपने बॉडी पे भी ध्यान दे। भाई गाने का नाम है आंटी की घंटी पार्ट 2, और पूरा वीडियो में आंटी भी है और उसको बुला भी रहा है, बट यार घंटी कहाँ गया? अरे घंटी चाहिए घंटी, हैशटैग घंटी कहाँ गया? और यार आज के वीडियो के लिए बहुत हो गया, मैं तो ये सब एक मजाक था, किसी भी बात को मैंने दिल से नहीं बोला, और ये गाना मुझे बहुत पसंद है और मैं भी इस गाने के लिए इंतजार कर रहा था। बाकी यार इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक जरूर करना, अरे ज्यादा मेहनत वाला काम थोड़ी ना है। देखो मैं बता रहा हूँ, नीचे राइट साइड में एक हैंड की सिंबल है, ये कांग्रेस वाला नहीं, ये लाइक वाला, हाँ बस इसे दबा दो। और अगर तुम ऐसे अजीब से वीडियो पहली बार देख रहे हो तो यार कहाँ जा रहे हो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि टेढ़ा हूँ पर तुम्हारा हूँ। मैं तो मेरा मोनेटाइजेशन इनेबल हो गया है, अब अगर ऐड दिखे तो स्किप मत कर देना, पूरा का पूरा ऐड देखना। चलो भाई मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। एक टाइम था जब मैंने चर्सियों से यारी लगा ली, उनके कोड वर्ड्स और फिर बात बात पे गाली, भैंचू स्कोरिंग करे भैंचू, कैश करा दो भैंचू, फायर करो भैंचू, आगे बढ़ा दो लोगों के लिए दो दरिया, महलों के लिए वो पट्टी, तुम्हारे लिए पोर्ट ग्रैंड, उनके लिए नेटी चेटी, काली वर्दी वाले प्राणी को कहते हैं टुल्ला, जो अच्छी बात बता देता वो